वेलकम गाइस टू डीएनएस इंग्लिश चैनल। आज मैं आपको फोबिया के बारे में बताने जा रहा हूँ। जो लास्ट प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको मैनिया के बारे में बताया, जो एक मैडनेस थी, एक तरह से जो काफ़ी एग्रेसिव सिचुएशन ऑफ द माइंड होता है, जो इरेशनल जो लाइक और लव होता है वह मैनिया थी। आज उसी का अपोजिट मैं फोबिया के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो ये आपके मैं फिंगर टिप्स पर रख दूंगा। इंग्लिश वोकैबुलरी इज नाउ ऑन योर फिंगर टिप्स। लिसन टू मी सीरियसली एंड अटेंटिवली। आप मुझे ध्यान से सुनो। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, मेरे वीडियो को लाइक करो, बिगिनिंग टू एंड देखो, तभी कुछ सीख पाओगे। ऊपर ऊपर से नहीं चलेगा। मैं आपको जो मास्टरी कमांड कराने जा रहा हूँ, आप बिल्कुल जो एक्टिव रहो, अटेंटिव रहो। तो शुरू करते हैं। जो फोबिया, यहाँ पर फोनेटिक साउंड है फोबिया। तो जो फोबिया होता है एक स्टेटस माइंड की होती है, इरेशनल जो फियर होता है, डिसलाइक है किसी थिंग्स के प्रति, वह फोबिया होता है। स्ट्रॉन्ग एंड अनरीजनेबल फियर एंड डिसलाइक इज कॉल्ड फोबिया। तो जो जब हम फोब लगाते हैं PHOBIA तो वह कॉमन नाउन बनता है, और फोबिया एब्स्ट्रैक्ट नाउन है या स्टेटस होता है। तो हम बिगनिंग करते हैं। आज तक मैंने गाइज 500 फोबिया कलेक्शन किया है, जो इंग्लिश लिटरेचर के लिए बहुत ही कंपलसरी एंड एसेंशियल है, ऑब्लिगेटरी है। आपको लर्न करना बहुत ही जो जरूरी है। तो शुरू करते हैं। एक्रोफोबिया, जो अगर किसी व्यक्ति, कोई व्यक्ति अगर हाइट से डरता है, एक तरह से साइकोलॉजिकल डिजॉर्डर है। तो अगर साइकोलॉजिस्ट के पास जाकर उसका काउंसलिंग किया जाए तो यह जो डिजीज है वह रिमूव हो सकता है। तो हम शुरू करते हैं। एक्रोफोबिया, फियर ऑफ हाइट्स, जो ऊंचाई से जो डरता है वह इस तरह की स्टेटस एक्रोफोबिया है। एक्रोफोब होता है ए पर्सन वो फियर हाइट्स, तो वह एक्रोफोब होता है। एक्रोफोबिक एडजेक्टिव फॉर्म है, ही इज एक्रोफोबिक पर्सन, वह ऊंचे प्लेस से, ऊंचाई से डरने वाला व्यक्ति है। सेकेंड है एगोराफोबिया, जो ओपन और पब्लिक प्लेसेज में जाने से डरता है वो एगोराफोबिक होता है, उसे एगोराफोब भी हम बोलते हैं। नेक्स्ट है ऑटोफोबिया, किसी को सॉलिटरी से, अकेलापन से, सॉलिट्यूड से फियर है। तो इस तरह का जो सिचुएशन है वह एगोराफोबिया फोबिक पर्सन कहलाता है, या स्टेटस एगोराफोबिया कहा जाता है। ओपन और पब्लिक प्लेसेज से, कुछ लोग पब्लिक प्लेसेज जो ओपन खुले जगह में नहीं जाना चाहते हैं, और अपने होम में होम सिकनेस होती है, घूटते रहते हैं, निकलते नहीं हैं, तो इस तरह के व्यक्ति को एगोराफोबिक कह सकते हैं, या एगोराफोब भी बोलते हैं PHOBIA एंड में। नेक्स्ट है ऑटोफोबिया, सॉलिट्यूड, जिसको अकेलेपन से डर लगता है। अगर कोई भी व्यक्ति, मैन इज ए सोशल एनिमल, ए पर्सन हु डजंट लिव इन सोसाइटी ही इज कॉल्ड ए बीस्ट और ए गॉड। तो किसी को अकेलेपन से अगर डर लगता है तो वह सॉलिट्यूड है, वो उसे हम ऑटोफोबिया कहते हैं, वह व्यक्ति ऑटोफोबिक कहा जाता है। अगर किसी व्यक्ति को फ्लावर से डर लगता है, इरेशनल फियर है, डिसलाइक है, तो वह व्यक्ति क्या कहलाता है, एंथोफोबिक होता है। इस तरह की जो स्टेटस है एंथोफोबिया कहा जाता है। नेक्स्ट है एंड्रोफोबिया। एंड्रो हम जानते हैं कि पहले भी जो प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बताया है कि लाइक बिगेट्स लाइक, ये सारे ग्रीक के वर्ड हैं। जो एंथो प्लस फोबिया, एंथो भी ग्रीक का वर्ड है, फोबिया भी जो ग्रीक का वर्ड है, तभी इंग्लिश लैंग्वेज ये मिलकर बना है। इंग्लिश लैंग्वेज का गाइज अपना कुछ नहीं है, सारे लैटिन, फ्रेंच, जर्मन, टीटोनिक, लैटिन, सभी जो भाषाओं से कलेक्टेड हैं। तो इसीलिए इंग्लिश भाषा विशाल भाषा है, काफी ट्रिमेंडस लैंग्वेज है। तो एंड्रोफोबिया, एंड्रो मीन्स मैन होता है, फोबिया डर, किसी व्यक्ति को अगर आदमी से डर लगता है तो इस तरह का जो सिचुएशन है वह एंड्रोफोबिया कहलाता है। कुछ जो गर्ल्स हैं एंड्रोफोबिक होती हैं, शी इज कॉल्ड
एंड्रोफोब। आगे हम एलोरोफोबिया। अगर किसी व्यक्ति को कैट से डर लगता है, वह काफी डिसलाइक है, बिटर एबोमिनेशन एंड डिटेस्टेशन है, हैट्रेड है, और उसे देखते ही पसीना छूटने लगता है, स्वेटिंग हो जाती है, तो इस तरह की जो सिचुएशन है वह एलोरोफोबिया कहा जाता है। और इसी का एडजेक्टिव एलोरोफोबिक होता है। और एलोरोफोब होता है कि वह जो बिल्ली से डरने वाला व्यक्ति, ए पर्सन हु फियर्स कैट्स इज कॉल्ड एलोरोफोब। अब नेक्स्ट है ब्रोंटोफोबिया। ब्रोंटोफोबिया जो व्यक्ति थंडर एंड लाइटनिंग से डरता है, बादल की करकर गड़गड़ाहट, बिजली की चकाचौंध से अगर डरता है, ये डर सभी को है, फियर टू ईच एंड एवरी पर्सन है, तो वह व्यक्ति ब्रोंटोफोबिक कहलाता है। एडजेक्टिव फॉर्म है, नाउन में ब्रोंटोफोब होगा, कॉमन नाउन है ए पर्सन हु फियर्स थंडर एंड लाइटनिंग स्टॉर्म इज कॉल्ड ब्रोंटोफोब। नेक्स्ट सिनोफोबिया। सिनो प्लस फोबिया, सिनो मीन्स डॉग। अगर कोई व्यक्ति कुत्ता से डरता है तो इस तरह का जो मानसिक हालात है, जो मेंटल स्टेज है, स्टेटस है, वह कहलाएगा सिनोफोबिया। जनरली जो लोग सिनोफोबिक होते हैं, सिनोफोब होते हैं, ही जे सिनोफोब, यानी वह कुत्ता से डरने वाला व्यक्ति है। अब आगे बढ़ते हैं बोटानोफोबिया। जो व्यक्ति जो प्लांट से, ट्रीज से डरता है, ए पर्सन हु फियर्स प्लांट्स एंड ट्रीज इज कॉल्ड बोटानोफोबिक और बोटानोफोब। द स्टेटस ऑफ माइंड इज बोटानोफोबिया। नेक्स्ट कार्डियोफोबिया। अगर कोई भी व्यक्ति कार्डियो प्लस फोबिया है, अगर कोई व्यक्ति हार्ट डिजीज से काफी एम्बेरेस्ड है, काफी घबराया हुआ है, एम्बेजलमेंट है एक तरह से, तो वह व्यक्ति क्या कहलाएगा, वह व्यक्ति जो कार्डियोफोब कहलाएगा। नेक्स्ट है कोमेटोफोबिया। कोमेटोफोबिया एक स्टार है, कॉमेट है, जो तारा लाइक है, तो इस तरह से जो व्यक्ति स्टार से जो डरता है, नेचुरल फिनोमेन थिंग से, तो वह कोमेटोफोबिया है। क्रोनोफोबिया। अगर कोई व्यक्ति अगर टाइम से डरता है, समय से डरता है, प्रेजेंट पास्ट या फ्यूचर हो, जो कोई व्यक्ति जो बिल्कुल पास्ट में डूब जाता है और डर लगता है उसे याद करके, और कभी फ्यूचर को याद करके भी वह घबराता है, अपसेट होता है, इस तरह की जो सिचुएशन होता है क्रोनोफोबिया है। इकोफोबिया। जो सराउंडिंग से, होम लिविंग से डरता है, घर के आसपास माहौल से जो डरता है, वह व्यक्ति इकोफोबिक होता है और उसे हम इकोफोब कहते हैं। बहुत से लोग इकोफोब होते हैं जो अपने सराउंडिंग से, अपने एटमोसफियर से काफी क्या होता है कि भयभीत रहता है, हॉरिफाइड होता है, टेरिफाइड रहता है। आगे हम करते हैं इंटोमोफोबिया। जो इंसेक्ट से डरता है तो वह इंटोमोफोब होता है। डेमोनोफोबिया। जो क्राउड से डरता है, जो क्राउड में भीड़ भाड़ में जाने से डरता है, इस तरह की जो सिचुएशन है डेमोनोफोबिया है। डायबिटोफोबिया। एक डायबिटीज है, डायबिटीज बीमारी, जिसमें जो शुगर काफी बढ़ जाता है, इंसुलिन की लोग जो इंजेक्शन भी लगवाते हैं, तो डायबिटीज से जो डरता है, इस तरह की जो सिचुएशन उनके दिमाग में इरेशनल फियर है, अनरीजनेबल जो हैट्रेड है और हॉरर है, तो वह पर्सन डायबेटोफोबिया स्टेटस उनकी माइंड की होती है। नेक्स्ट है डिप्सोफोबिया। अगर किसी व्यक्ति को अल्कोहल से डर लगता है, जो वाइन से, तो इस तरह की जो डिप्सोफोबिया है, यह मोरलिटी भी है, वाइन और अल्कोहल से अलग भी रहना चाहिए। नेक्स्ट है वाइटोफोबिया। वाइटोफोबिया जो सेक्सुअल इंटरकोर्स से भयभीत रहता है, अपनी वाइफ को देखकर भागता है, या जो वाइफ है अपने हस्बैंड को देखकर वह जो भाग जाती है, तो दोनों सिचुएशन है, जो बेटर हाफ है या स्पाउज है, एक दूसरे तो कन्नी काटते हैं सेक्स करने से, तो इस तरह की जो स्थिति है वह क्वाइटोफोबिया है। मूसोफोबिया। जो फियर ऑफ माइस,
जो चूहे से जो डर है वह मुसोफोबिया है। हेडोनोफोबिया क्या होता है कि किसी को प्लेजर से जो डर लगता है। पीपल सम पीपल डोंट वांट टू लीड पॉम्प एंड शो लाइफ, लग्जूरियस लाइफ, जो लग्जूरियस पॉम्प एंड शो लाइफ से दूर रहना चाहता है वह हेडोनोफोब होता है। वह इस तरह की जो मानसिक सिचुएशन है वह हेडोनोफोबिया कहलाता है कि प्लेजर से वह दूर रहना चाहता है। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग में वह भरोसा करता है। फैंटेजमोफोबिया, फैंटेजमोफोबिया जिसे भूत प्रेत से डर लगता है, स्पिरिट से, गोस्ट से जो डरा होता है, भयभीत रहता है, इस तरह की जो सिचुएशन है फैंटेजमोफोबिया कहलाती है। काफ़ी हम लोग देखते हैं कि इस तरह की सिचुएशन में लोग काफ़ी जो सुपरस्टिशन है, ब्लाइंड फेथ हैं कि गोस्ट हैं, एविल स्पिरिट हैं, तो इस तरह की जो फोबिया है, जो डर है, इरेशनल, जो बीटर एबोमिनेशन है, डिटेस्टेशन है, डिटेस्टेशन या फैंटेज्म फोबिया कहलाएगा। फार्माकोफोबिया जिसे मेडिसिन से डर लगता है, मेडिसिन लेना नहीं चाहते और वह उससे कीप अवे होना चाहता है, काफ़ी उससे अलग रहना चाहता है, काफ़ी बिटर एबोमिनेशन है, स्ट्रॉन्ग एंड अनरीजनेबल फियर और हैट्रेड है तो मेडिसिन से, तो यह फार्माकोफोबिया कहलाएगा। नेक्स्ट है थीसियोफोबिया। गाइज यहाँ पी एच साइलेंट है, टी एच आई एस आई ओ पी एच ओ बी आई ए, थीसियोफोबिया जिसे ट्यूबरक्यूलोसिस यानी टीबी बीमारी होती है एक तरह से, जिसे डर लगता है, काफ़ी वह सस्पेंशन में, डाउटफुल सिचुएशन में, स्टेटस में जीता रहता है, तो इस तरह की जो डर है, फियर है, फोबिया है वह थीसियोफोबिया कहा जाएगा। वैक्सीनोफोबिया जैसे वैक्सीन लगाने से डर लगता है, अभी कोरोना चल रहा है, बहुत से लोग डरे हुए हैं कि कोरोना का इंजेक्शन लगाने से कहीं उनकी डेथ न हो जाए, तो ये काफ़ी एक तरह से दिमाग में जो फोबिया है उनके दिमाग में सेट हो चुका है, तो इस तरह से वैक्सीनोफोबिया इंजेक्शन लगाने का, वैक्सीनेशन का डर रहता है। इस तरह ये सारे डर इरेशनल हैं, ये रियलिटी में कुछ नहीं होता। जीनोफोबिया जिसे फॉरनर और स्ट्रेंजर से डर लगता है, चाहे फॉरनर कोई व्यक्ति हो या कोई आइटम्स थिंग्स हो, तो उनसे जो डर लगता है, इस तरह की सिचुएशन जीनोफोबिया है। जू फोबिया फियर ऑफ एनिमल्स, जिसे जो एनिमल्स से डर लगता है, डॉग है, टाइगर है, लायंस है, एंड सो दैट जू फोबिया हुआ। इस तरह से हम बढ़ते जा रहे हैं आगे। अब नेक्स्ट है हेलियोफोबिया। गाइज हेलियो प्लस फोबिया, हेलियो सनलाइट को बोलते हैं, इस ग्रीक वर्ड है तो कॉमनली ये काफ़ी यूज हो रहा है इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर में। अगर आप इंग्लिश में जो मास्टरी कमांड करना चाहते हैं तो इससे आप स्केप नहीं हो सकते, इसे लर्न तो करना ही होगा, हार्ट एंड सोल। तो नेक्स्ट है जो इरेटोफोबिया, जो इरेटोफोबिया एक डर है सेक्सुअल इंटरकोर्स से, जो डर होता है, जो जिसमें मर्दानगी होते हुए भी वह काफ़ी भयभीत रहता है, अपसेट रहता है, अपने जो बेटर हाफ को या स्पाउस को, एक दूसरे को काफ़ी प्लेजर नहीं दे सकता है, इस तरह को सेटिस्फाइड नहीं कर सकता, काफ़ी जो एम्बेरेस्ड होता है, तो काफ़ी डरा होता है, तो इरेटोफोबिया होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स से, जिसको डर लगता है, काफ़ी भयभीत है। अब नेक्स्ट है ब्लाटोफोबिया। ब्लाटोफोबिया बी एल ए डबल टी ए पी एच ओ बी आई ए, ब्लाटोफोबिया, ब्लाटो प्लस फोबिया, ये ग्रीक वर्ड है। ब्लाटो मीन्स कॉकरोच होता है, इसे कॉकरोच से बहुत ही डर लगता है, एबनॉर्मल जो या फियर है, डिसलाइक है, काफ़ी जो सिचुएशन माइंड की काफ़ी एम्बेरेस्ड है, तो इस तरह की जो सिचुएशन है ब्लाटोफोबिया, कॉकरोच से डरने की जो स्थिति है, देखते हैं ज़्यादातर जो गर्ल्स हैं, वुमेन हैं, वो कॉकरोच से बहुत डरती है, तो वो ब्लाटोफोबिक होती है, उसे हम ब्लाटोफोब भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है बिब्लियोफोबिया। बिब्लियोफोबिया, बिब्लियो मीन्स बुक, फोबिया मतलब डर, जिसे पुस्तक से डर लगता है, ऐसे जो स्टूडेंट हैं, टिमिड हैं, वीकनेस ऑफ विल पावर जिनके हैं, वो बुक्स नहीं रखना चाहते, बुक से डर लगता है, वो पढ़ने में मन नहीं लगाते,
तो बुक्स को देखते ही उसका पसीना छूटने लगता है। इस तरह की जो सिचुएशन है वह बिब्लियोफोबिया है। तो बहुत तरह के फोबिया है। आगे हम चलते हैं कि लेलोफोबिया क्या है। अर्थात ज्यादातर लोग लेलोफोबिया से शिकार हैं। एबनॉर्मल फियर ऑफ स्पीकिंग और टॉकिंग इज कॉल्ड लेलोफोबिया। बहुत से इंटरव्यू में जाते हैं, टैलेंटेड स्टूडेंट हैं, मल्टी डायमेंशनल टैलेंटेड होते हुए भी वह इंटरव्यू को फेस नहीं कर पाता और काफी घबरा जाता है और बोल नहीं पाता है, हकला जाता है। तो इस तरह का जो सिचुएशन है वह लेलोफोबिया होता है। सम स्टूडेंट्स आर लेलोफोबिक, जो कुछ लेलोफोबिक होते हैं, लेलोफोब हैं कि वह बोलने से काफी अपसेट होते हैं, बोल नहीं सकते अपने एक्सप्रेशन को, वह जो आर्टिकुलेट नहीं कर पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते। थियोफोबिया ज्यादातर है कि कुछ लोग नास्तिक प्रवृत्ति के लोग हैं, जिसे हम एथिस्ट बोलते हैं, ATHEIST, लेकिन यहाँ थियोफोबिया जिसे ईश्वर से डर लगता है, अच्छी बात है कि बुरा कर्म करेगा तो वह ईश्वर से डरेगा, कम से कम बुरा काम करने से बच सकता है। लेकिन थियोफोबिया कुछ और जो इरेशनल सिचुएशन ऑफ माइंड है, इस तरह से डिसलाइक है, बिटर, जो हैट्रेड है, उसे हम थियोफोबिया कहते हैं। ईश्वर से घबराता है, ईश्वर का नाम सुनते ही उसका पसीना छूटने लगता है, भगवान का प्रसाद लेने से वो डरता है, टेंपल जाने से डर लगता है कि कहीं ईश्वर का नजारा ना हमें कहीं मिल जाए। तो वो डरा हुआ होता है कि गाइज मैंने पहले ही बताया कि यह जो है एक साइकोलॉजिकल डिजॉर्डर है, ऐसा रियालिटी में कुछ डर होता नहीं है। अब नेक्स्ट है ओफिडियोफोबिया। ये फोबिया जो है स्नेक्स का, जो कोबरा को कोई अगर देखे, कोई स्नेक्स हैं, तो ये बिल्कुल नेचुरल है कि कोई डरेगा, यह रेशनल है। लेकिन फिर भी जो मन में वह इस तरह से भय को, जो हॉरर को, टेरर को जो सेट कर लेता है कि सांप का नाम सुनते ही उसका पसीना छूटने लगता है और सारा इमेज जो स्नेक्स का उसके दिमाग में सेट हो जाता है और उसका पसीना चलने लगता है, डरा हुआ होता है, तो ओफिडियोफोबिया जिसे सांप से डर लगता है और नाम सुनकर ही उनके दिमाग में सारे घटनाएं याद आने लगती है। ऑर्निथोफोबिया क्या होता है कि जिसे जो बर्ड से काफी डर लगता है, जो यह साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। ऑर्निथोफोबिया जिसे बर्ड से काफी डर लगता है वही ऑर्निथोफोबिक होता है, उसे ऑर्निथोफोब भी बोलते हैं। और फोबोफोबिया बहुत ही इम्पोर्टेंट है गाइस, जिसे आप अपना लोगे तो जिंदगी में कभी नहीं डरोगे, कि फोबोफोबिया डर कुछ नहीं होता, फियर इज फियर इटसेल्फ एंड नथिंग एल्स, जो डर ही होता है और कुछ भी नहीं होता है। फोब का भी मतलब डर होता है, उधर भी फोब है, फोबोफोबिया डर है और कुछ नहीं है, डर से ही हम डर जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अपने दिमाग में एक हम इमेजिनेशन कर लेते हैं, सपोजिशन कर लेते हैं और हम काफी जो हॉन्टेड हो जाते हैं उस थॉट से, उस नोशन से, उस आइडिया से। तो ऐसा नहीं करना है आपको, आपको बोल्ड रहना है, तभी आप आगे पढ़ पाएंगे, आगे जीवन में कुछ कर पाएंगे। फोटो लाइट से जिसे डर लगता है, जैसे लाइट से बहुत से लोग लाइट में रहना नहीं चाहते, स्विच ऑफ कर देते हैं या सनलाइट से भी बाहर नहीं जाते हैं, तो जिसे लाइट से डर लगता है वह क्या होता है, फोटोफोबिया। तो इस तरह की सिचुएशन, ये जो साइकोलॉजिकल जो सिचुएशन है, डिजॉर्डर है, एक साइकोसिस है। नेक्स्ट है नेक्रोफोबिया। ये डर जो है, जैसे फियर ए पर्सन हु फियर्स डेड बॉडीज और कॉर्प्स और कार्केस, जो डेड एनिमल, डेड बॉडी ऑफ एनी एनिमल है, डेड बॉडी ऑफ पर्सन है, तो इससे जिसे डर लगता है वह नर्कोफोब होता है। और इस तरह का जो मेंटल स्टेटस है वह नर्कोफोबिया कहा जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये सारे जो डर हैं इरेशनल हैं, इप्सो फैक्टो नहीं है, रियलिटी इसमें कुछ भी नहीं है, जो डिफैक्टो इट इज फियर एंड फियर इटसेल्फ, यह डर ही है, दिस इज द इमेजिनेशन ऑफ योर माइंड ओनली। अब नेक्स्ट है जो नॉक्टिफोबिया, किसी को रात से डर लगता है, जो कुछ डिप्रेशन के शिकार लोग होते हैं, जो डिप्रेस्ड होते हैं, फ्रस्ट्रेटेड होते हैं,
तो उसे जैसे रात आने लगती है नाइट से, वो काफी डरने लगते हैं कि नाइट से काफी अंधेरा है, हमें क्या होगा नहीं होगा, कहीं हमें स्लीप प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो इस तरह की जो सिचुएशन है वह नॉक्टिफोबिया है। और निक्टोफोबिया भी है। निक्टोफोबिया होता है कि ए पर्सन हु फियर्स डार्कनेस, जिसे अंधेरे से डर लगता है वह व्यक्ति निक्टो जो फोब होता है। तो इस तरह से बहुत सारे फोब के बारे में हमने आपको बताया। जो 500 का हमने, जब मैं 12th क्लास में ही था तब मैंने कलेक्शन किया था, मेरा जो बड़ा आनंद आता था इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ने से, तो वही कुछ मैं आपको सामने रख रहा हूँ। एंग्लोफोबिया, एंग्लोफोबिया जिसको जो इंग्लैंड से डर लगता है या इंग्लिश लैंग्वेज से डर लगता है, द पीपल ऑफ इंग्लैंड और इंग्लैंड और इंग्लिश लैंग्वेज। तो इस तरह की जो फोबिया है वह एंग्लोफोबिया है, इसे एंग्लोफोबी बोलते हैं। ए पर्सन हु फियर्स इंग्लैंड और द इंग्लिश पीपल और इंग्लिश लैंग्वेज, दैट इज कॉल्ड एंग्लोफोब। एंड इसका जो एडजेक्टिव है वह एंग्लोफोबिक होगा। उसी प्रकार फ्रेंकोफोबिया है। फ्रेंकोफोबिया जिसे फ्रेंच से डर लगता है या फ्रेंच लैंग्वेज से वह जो बीवेयर ऑफ रहना चाहता है, सावधान रहना चाहता है, तो वह फ्रेंकोफोबिया स्टेटस है माइंड की। अब रूसोफोबिया है। ए पर्सन हु फियर्स रशा, द करेक्ट साउंड इज रशा, नॉट रशिया, रशा होता है कि जिसे रशियन पीपल से डर लगता है, या एबनॉर्मल डिजॉर्डर है, एबनॉर्मल फियर है, हैट्रेड है, डिसलाइक है, वह क्या होता है गाइज, वह रूसोफोब होता है। अब ट्रीस्कैडेकाफोबिया, ट्रीस्कैडेकाफोबिया क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। ट्रीस्कैडेकाफोबिया, TRISKAI डेका फोबिया, ट्री मीन्स थ्री, डेका ट्रीस्कैडेकाफोबिया, इसे हम ट्री डेका फोबिया भी लिख सकते हैं, +10 फियर। तो जिसे 13 नंबर से डर लगता है, ए पर्सन हु फियर्स 13 नंबर इज कॉल्ड ट्री एस्केडेकाफोबिया, और वह व्यक्ति ट्री एस्केडेकाफोब होता है। ए पर्सन हु फियर्स द नंबर 13, जो 13 नंबर से डर लगता है गाइज, यह अशुभ होता है। जो ये बहुत बड़ा सुपरस्टिशन है, केवल एशियन कंट्रीज के लोग ही सुपरस्टिशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं या उससे वो सेटअप नहीं है, बिल्कुल जो फॉरनर्स भी है, अमेरिकन भी है, इंग्लैंड में भी, जैसा विलियम शेक्सपियर ने मैकबेथ में लिखा है और जूलियस सीजर में भी लिखा है, कि जो 13 नंबर है, कि 13 एक व्यक्ति था जो जब लैडर चढ़ता था तो 13 नंबर आता था तो उसके पसीने छूटने लग जाता था और गिर पड़ता था। 13 जो 13 जो स्टेप पर वह चढ़ नहीं पाता था, उसे जंप करके, मतलब 13 को जंप करके 14 पर कूद जाता था और वह काफी एम्बेरेस्ड हो जाता था, हॉपलेस हो जाता था, पसीना छूटने लगता था। अभी भी हम यहाँ देखते हैं कि जो इंडियन कल्चर में जो अगर कोई मरता है तो उसकी 13वीं होती है। जो लोग यहाँ के जो इतने सुपरस्टिशियस हो चुके हैं कि 13 नंबर का फ्लैट लेना नहीं चाहेंगे, जिस हाउस नंबर 13 है, तो बड़े घूंटते रहते हैं, बेचैन रहते हैं। तो इस तरह से ट्रीस्कैडेकाफोबिया, फियर ऑफ 13 नंबर्स, जो 13 नंबर से डरा होता है वह ट्रीस्कैडेकाफोबिया है गाइज। अब है केरोनाफोबिया। केरोनाफोबिया क्या होता है कि जो व्यक्ति थंडर एंड लाइटनिंग से डरता है, बादल की गड़गड़ाहट हो, बिजली की चकाचौंध हो, और इस तरह से काफी थंडरिंग एंड लाइटनिंग सिचुएशन है, तो व्यक्ति बाहर नहीं जाता। तो इस तरह के जो व्यक्ति है केरोनाफोब होता है, KERANOPHOBE, केरोनाफोब होता है, जो थंडर एंड लाइटनिंग से काफी डरता है वह केरोनाफोब होता है। तो गाइज इस तरह से मैं आपको इंग्लिश लैंग्वेज क्या है, तो एक ऑप्शंस है, उसके 5-6 ड्रॉप्स, कुछ ड्रॉप्स मैंने आपको दिया है कि यह नेक्टर के समान है या एम्ब्रोजिया है, जो अमृत के कण हैं जो आपके गले के अंदर उतर कर
आपकी जो भूहंगर है इंग्लिश लिटरेचर के प्रति, तो वह आपको जरूर ही ट्रैंक्यूलाइज करेगा। ये बहुत ही मैंने आपको आसान तरीके से बताया, ये वर्ड अच्छे वर्ड हैं, काफ़ी के यूज होते हैं। कोई भी कंपटीशन है, IAS हैं, सिविल सर्विसेज या UPSC या PCS हो या MBA, बैंक, रेलवे हो, इनमें का बहुत ज़्यादा प्रयोग हो रहा है। अभी से आप हमारे वीडियो को आप देखेंगे तो आप इंग्लिश भाषा को, मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि इंग्लिश फॉरेन लैंग्वेज नहीं है, यह बहुत ही साइंटिफिक लैंग्वेज है, मैथमेटिकल लैंग्वेज है। इंग्लिश लैंग्वेज ऑन योर एट योर फिंगर टिप्स, जो आपके फिंगर टिप्स पर होगा यदि आप इसे फॉलो करेंगे। इंग्लिश कौन कहता है कि इंग्लिश कठिन है, इंग्लिश तो बहुत ही ईजी लैंग्वेज है। इसे मैं आशा है करता हूँ कि आप इसे बाय हार्ट लर्न कर लिए होंगे और आप लाइफ में कभी नहीं भूलेंगे। मैंने सारा टिप्स बताया कि लैटिन फ्रेंच से वर्ड कैसे आते हैं, किस तरह से बनते हैं, उसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन कैसे होता है। तो गाइज आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर करिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आप ज्ञान अब कहाँ से पाओगे। इतने सारे हमने आपको जो विट्स एंड नॉलेज दिया है, जो विजडम जो भरी हमने आपको नॉक एंड नॉलेज आपके सामने हमने सर्व किया है, और कोई क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता। तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, हैव ए नाइस डे।